के इस वीडियो में स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आदेश है कि अब स्वयं सहायता समूह की सभी कैडर से दीदियों को फ्री में ड्रेस दिया जाएगा, यानी स्वयं सहायता समूह की कैडर से दीदियों को सरकार के द्वारा ड्रेस से कोड दिया जाएगा। और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने आदेश निर्देश दे दिया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए अनेकों प्रकार की घोषणाएं की है और यह जानकारी जो है न्यूज पेपर में भी निकली हुई है, आप सब देख सकते हैं। ये देखिए, ये है न्यूज पेपर की कटिंग। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए क्या कुछ घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई है, चलिए हम आप सभी को पूरी अपडेट बताते हैं कैसे क्या है। लखनऊ में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम में 44,100 स्वयं सहायता समूहों को उप मुख्यमंत्री के द्वारा 506 करोड़ रूपए का ऋण वितरण किया गया। कैंप में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ऋण वितरण के साथ साथ अच्छा काम करने वाले स्वयं सहायता समूह की महिलाओं व बैंकर्स को सम्मानित भी किए। उन्होंने कहा कि हर 3 परिवार में से एक परिवार की महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है और उन्होंने कहा कि 1.21 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की महिलाओं की कुल 8.72 लाख स्वयं सहायता समूह 62,886 ग्राम संगठनों में 3,044 संकुल स्तरीय संघों से जोड़कर स्वावलंबी बनाया जा रहा है। अब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की ब्रांडिंग व बिक्री के लिए एक सेल का गठन किया जाएगा। बड़े शॉपिंग मॉल में इनके उत्पादों की बिक्री के लिए स्थान भी आरक्षित किया जाएगा। स्मार्ट बाजार इत्यादि से समझौता किया जाएगा, यानी स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जो भी दीदियां उत्पाद बनाती हैं तो इनके उत्पाद की बिक्री के लिए बड़े बड़े मॉल से समझौता सरकार के द्वारा किया जाएगा। और दीदी, इसके बाद उन्होंने कहा कि जो है यहाँ पे देखिए, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रेस देने की बात कही है, आप सब देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह भी प्रयास किया जाएगा कि स्वयं सहायता समूहों की अलग अलग ड्रेस हो, यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रेस देने की बात कही है। तो स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जो भी दीदियां कैडर्स के रूप में कार्य कर रही हैं, सभी दीदियों को सरकार के द्वारा अलग अलग ड्रेस दिया जाएगा। सभी महिलाओं का अपना एक अलग ड्रेस कोड होगा। इससे क्या होगा, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की अपनी एक अलग पहचान बनेगी। उनके ड्रेस के पहनावे से ही पता चल जाएगा कि ये ड्रेस स्वयं सहायता समूह का है, ये स्वयं सहायता समूह की दीदी है। जिस प्रकार से आशाबहु आंगनबाड़ी को ड्रेस दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से अब स्वयं सहायता समूह की कैडर्स दीदियों को, सभी महिलाओं को सरकार के द्वारा ड्रेस प्रदान किया जाएगा, ठीक है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में महिला सशक्तिकरण के लिए ठोस कार्य किया जा रहा है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभाओं में 35% सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। अगर महिलाएं सशक्त होंगी तो राष्ट्र भी मजबूत होगा। देखिए दीदी, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत पहले बीसी सखी को जो है सरकार के द्वारा ड्रेस दिया गया, तो बाकी जो कैडर से दीदियां थी तो दीदियां बोल रही हैं कि उनका भी कमेंट है कि हम समूह सखी के पद पे कार्य करते हैं, कृषि सखी, आजीविका सखी इत्यादि कैडर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं, सरकार के द्वारा हम लोगों को ड्रेस क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो दीदी, अब आप सभी की नाराजगी खत्म होने वाली है। अब सरकार जो है स्वयं सहायता समूह की सभी कैडर्स दीदियों को ड्रेस प्रदान करेगी। विद्युत सखी का ड्रेस बन रहा है, बहुत जल्द विद्युत सखी बहनों को ड्रेस दे दिया जाएगा। बाकी जो कैडर्स दीदियां हैं, जैसे समूह सखी, आजीविका सखी, कृषि सखी, पशु सखी, आईपीआरपी वगैरह हैं, तो इन सभी कैडर्स दीदियों को भी ड्रेस प्रदान किया जाएगा, सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो स्वयं सहायता समूह की कैडर्स दीदियों के ड्रेस से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके सामने आई हुई है दीदी। तो वीडियो के माध्यम से यह जानकारी हम आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। तो दीदी, आज की यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप सभी को इस प्रकार की नई से नई अपडेट बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।